हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2D का जो सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और देखो, ये सेवंथ और एट है ना, दोनों आपस में एकदम सेम क्वेश्चन है। तो जो एट का वीडियो रहेगा उसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेवन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ना जी एक्स की वैल्यू कितनी गई दी गई है, 2x-3 दी गई है। पहले जो रहता था एकदम सिंपल रहता था, जैसे मान लो अगर आपको मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में बताऊँ तो एकदम एक्स प्लस फाइव था, फाइव को इधर ट्रांसफर करते थे -5 आ जाता था। उस तरीके से क्वेश्चन नंबर फाइव में हमने सॉल्व करना आपको सिखाया था, एक्स प्लस थ्री था उसको उधर ट्रांसफर किया तो -3 आ गया। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास दो दो नंबर है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले तो इस तरीके से ले लेते हैं, मान लेते हैं कि जो जी एक्स है वो किसके इक्वल में, वो जीरो के इक्वल में है। तो लेट जी एक्स इक्वल टू जीरो, तो जो हमारा 2x-3 होगा वो भी किसके इक्वल में होगा, वो भी जीरो के इक्वल में होगा। अब यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों नंबर्स को एक एक करके इधर भेज दो। तो पहले तो ये 2x इधर ही रहेगा, ये -3 को इधर भेजो, तो इधर -3 था, इधर आकर के ये +3 बन गया। उसके बाद अब ये जो 2 है ना, इसको भी इधर भेज दो। तो 2 देखो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, कुछ इस तरीके से। तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 3/2 निकल गया। पहले थोड़ा हमारा जो रहता था सिंपल नंबर आता था, इंटीजर आता था, इस बार जो है फ्रैक्शन आ गया। कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले सॉल्व होता था ना वैसे ही सॉल्व होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो पी एक्स की वैल्यू दी गई है ना, तो जहाँ जहाँ पर पी एक्स में एक्स है वहाँ वहाँ पर हम एक्स की वैल्यू 3/2 पुट कर देंगे। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन नंबर सेवन में, 2x^4 है, 2x^4। उसके बाद प्लस में एक्स का क्यूब है, माइनस में 8x² दिख रहा, उसके बाद माइनस एक्स है और प्लस में 6 है। ये हमको पी एक्स की वैल्यू दी गई है। तो बस यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है ना एक्स, वहाँ वहाँ पर 3/2 पुट कर दो। ये हो जाएगा पी 3/2 इक्वल टू 2, फिर उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई की साइन चाहो तो लगा सकते हो, 3/2 प्लस में एक्स का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3/2। उसके बाद माइनस में 8x² है, तो 8 3/2, फिर माइनस में एक्स है तो इसके जगह मैं 3/2 लिख दो, और प्लस में ये जो लास्ट का 6 है इसको एज इट इज उतार लो। ठीक है, क्लियरली आ रहा है वीडियो में, हाँ अच्छे से आ रहा है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप चाहो तो ये 2 से ये 2 कट भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट कट नहीं करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा ये 3^4 है और 2^4 है, यानी नीचे में ना हमारे पास 2 × 2 × 2 4 टाइम है। तो 1 2 से आप ये वाला 1 2 को कट कर दो, बचेगा नीचे में कितना, 2 × 3 नीचे में बच जाएगा। सुनिए मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे देखो इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 × 3/4 है और नीचे 2^4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 इस तरीके से लिख सकता हूँ। ऐसे मैं लिख क्यों रहा हूँ, ताकि ये हमारा कट हो सके, कट हो जाएगा तो काम आसान होता है। इसलिए पहले क्या करो, कट कर लिया करो। तो 1 2 से मेरा 1 2 कट हो गया। ठीक है, इसको आप 2^4 भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ है क्या, नहीं यहाँ पर कट होने वाला कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 3^3 है, तो इसको आप 3^3 / 2^3 उतार लो। ठीक, उसके बाद -8 है तो -8 लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ 3² हो जाएगा और नीचे 2 का भी स्क्वायर है, यानी कि 2² ही रहने दो, क्योंकि 2² तो 8 से कट हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट 4 कर देता हूँ, 2 या फिर चलो एक एक स्टेप अगले स्टेप में करेंगे कट, नहीं तो आप फिर कन्फ्यूज मत हो जाओ फालतू में। 3 हो जाएगा हमारा 3/2 और प्लस में 6। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 3^4 है तो 3 3 = 9, फिर 9 3 = कितना होता हमारा 27। ठीक है, फिर हमारा 27 3 = कितना हो जाएगा, 27 × 3 करके देख लेते हैं, 3 7 = 21 कैरी हो गया 2, 3 2 = 6 और 2 = 8, यानी 81। तो ये ऊपर में हमारा 81 आ गया, नीचे में हमारा 2 2 = 4 4 2 = 8 आ गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 3^3 है तो 3 3 = 9 9 3 = 27 हो जाएगा, और नीचे 2^3 है तो वही 2 × 2 × 2 यानी कि 8 आ जाएगा। देन अब यहाँ देखो, ये हमारा कितना हो गया, -8 को रहने दो, मल्टीप्लाई में 3² है यानी कि 9 और नीचे में 2² है यानी कि 4, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं ना, 4 1 = 4 4 2 = 8, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया था। अभी आपको समझ में आया कि ये कट हो रहा है तो कट कर दो। उसके बाद माइनस, ये हो जाएगा 3/2 और प्लस में ये 6 आ गया। ठीक है, बाकी आप कट नहीं भी करोगे ना तो भी आंसर गलत नहीं आएगा, बस थोड़ा सा बड़ा आंसर आता है। बड़ा आंसर यानी कि थोड़ा सा नंबर्स होते हैं बड़े हो जाते हैं और लास्ट में सेम ही आंसर आता है। उसके बाद अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 81/8 प्लस में 27/8, और उसके बाद फिर 9 2 हो जाएगा हमारा 18, माइनस की साइन है तो -18। ठीक है, नीचे देखो कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख देते हैं, ताकि आपको समझ में आए, फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर में एक 1 छुपा रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर -3/2 हो जाएगा और प्लस में 6/1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास 8 है, 1 है, 2 है, तो सभी का एलसीएम 8 ही आएगा, क्योंकि जो 8 है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। तो हम जानते हैं क्या है कि जो भी एलसीएम है उसको एक बार डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है, एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं और ऊपर में जो भी आंसर आता है उसका ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 का 8 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, 1 का 81 से मल्टीप्लाई होगा तो 81 ही रहेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, 27 का 27 ही रहेगा। यहाँ पर चेंज होगा,
एट को वन से डिवाइड करेंगे तो एट आ जाएगा, और एट का एटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटीन एट जाए कितना होता है 144, तो ये हो जाएगा 144, और माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगा दो। सेम उसी तरीके से यहाँ भी एट को टू से डिवाइड करेंगे तो फोर आ जाएगा, और फोर थ्री जो हो जाएगा हमारा 12, माइनस की साइन है माइनस की साइन लगा लो। एट को फिर से वन से डिवाइड करेंगे तो एट ही आएगा, और एट सिक्स हमारा हो जाएगा 48, तो प्लस में हम लोग यहाँ पर 48 लिख देते हैं। सभी को बस आप न्यूमरेटर को सॉल्व करो और आपका आंसर जो है वो रेडी है। तो अपन क्या करते हैं, जो प्लस प्लस वाला नंबर है ना, तीनों का आपस में ऐड कर लेते हैं। साइड में मैं कहीं पर ऐड कर देता हूँ, 81 है, 27 है और 48 है, ठीक है। तो ये हमारा 8 और 8 16 का 6 हो गया, कैरी हो गया 1, ये हो जाएगा 10 और 1 11 और 4 15, यानी 156 आ गया। अब इधर देख लेते हैं, इधर कितना आ रहा है माइनस माइनस वाला, तो यहाँ पर हमारे पास 144 है और 12 है, तो ये भी देखो 44 और 10 हमारा 54 हो जाएगा, और 2 और ऐड कर देंगे तो 56 हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस और माइनस प्लस होता है, इसीलिए मैं ऐड कर रहा, लेकिन बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो साइन माइनस की ही लगेगी, और दोनों को ऐड करके 156 आ गया, डिवाइड बाई में 8, तो ये हो जाएगा 0/8, और 0/8 यानी कि 0। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर बचा फिर से 0 बचा, जैसे उधर भी 0 बच रहा था ना, यहाँ भी लास्ट में 0 ही बचा, बस इसने थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप समझाते जा रहा हूँ। अगला जो अभी वीडियो बनाऊंगा ना 8 नंबर का, उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, उसको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, दो तीन स्टेप स्किप भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चूंकि 0 आ गया तो लास्ट में आप लिख दोगे कि अब 0 आ गया रिमाइंडर हमारा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी एक्स होगा वो पी एक्स का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, और यहाँ से हमारा आंसर जो होता है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है जैसे पहले सॉल्व किया है ना, 1 से 6 तक वैसी है, बस यहाँ पर क्या है फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन को आपको अब सॉल्व करना आना ही चाहिए, आप क्लास 9 में पहुँच गए हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।